पे? भैया मंदिर बनवा दियो, पूजा स्थल बनवा रहे हो, बढ़िया काम बढ़िया कर रहे हो, गुंडागर्दी खत्म कर दी। असली बूझ है तो कोई आदमी पुलिस में करवाए हो तो हमें बता, इन मुलायम सिंह के आदमी ने करवाए हो तो बता हमें। चल हम कह रहे हैं हम यादव हैं और नोएडा तो ये अब शगुन माने। तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार ये सवाल उठा रहा है कि योगी जी हैं युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। भैया है तो वाई ने कहा रोजगार दे दिए, जब अब उनके समय में जब उनकी सरकार ही वाले कितने रोजगार दे दिए ये बताओ। योगी आएंगे। दादा जी आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम श्रीचंद यादव। अच्छा, तो मतलब जात पात से नहीं, इस बार विकास के नाम से वोट देंगे आप? विकास के नाम से वोट देंगे। अच्छा, योगी बहुत बढ़िया काम कर रहा, एक गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ। और विकास अच्छे कर रहा, और देखो जेवर एयरपोर्ट भी। हाँ। इसकी देन। क्या लगता है इस बार मतलब मुसलमान भी बदले नजर आ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं क्या? मुसलमान भी बहुत देंगे तो बीजेपी वोट देंगे, बहुत खुश है मुसलमान, और मुसलमान ही ज्यादा खुश है। सरकार में नए लौंडे बदमाश बन गए, जो बदमाश बनने काबिल भी सपा के। हाँ, सपा की इनकी सरकार बहुत लौंडा बदमाश बने जो मतलब काबू में आ गए। अब तो साले डरे बैठे, घर बढ़े बैठे जो। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। लोग ये इस बार जनता को ये लग रहा है कि किस मुद्दे पे सरकार आएगी, क्या विकास करेगी। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में, तो आइए जानते हैं ये इस बार जनता का क्या माहौल, क्या मूड है, कि क्या सोच के क्या लेके सरकार को चुनेगी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भैया मंदिर बनवा दियो, पूजा स्थल बनवा रहे हो, बढ़िया काम बढ़िया कर रहे हो, गुंडागर्दी खत्म कर दी। नहीं तो बीजेपी गुंडागर्दी खत्म कर दी, विकास कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार ये सवाल उठा रहा है कि योगी जी हैं युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। भैया है तो वाई ने कहा रोजगार दे दिए, जब अब उनके समय में जब उनकी सरकार ही वाले कितने रोजगार दे दिए ये बताओ। नहीं विपक्ष का तो मानना है, तुम्हें मुद्दे तो एक दूसरे पे भैया उठाए करे। हमारे नोएडा की तो भैया इन्होंने असली बूझ है तो कोई आदमी पुलिस में करवाए हो तो हमें बता, इन मुलायम सिंह के आदमी ने करवाए हो तो बता हमें। चल हम कह रहे हैं हम यादव हैं और नोएडा तो ये अब शगुन माने, यहाँ कदम भी ना धरते यह क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ आने से अखिलेश जी कतराते हैं, योगी जी आ चुके हैं यहाँ। योगी जी आगे कई बेरा आ गए, योगी और मोदी भी आए कई बेरा यहाँ 62 में, सेक्टर 62 में। माहौल इस बार पूरा जो पश्चिमांचल का है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमांचल है, इस बार बीजेपी नजर आ रही है, पूरी बीजेपी आवेगी हम कह रहे हैं गारंटी से। ऐसा लग रहा है कि इधर जो पश्चिमांचल का बेल्ट है, अभी मेरठ में अखिलेश जी ने रैली की, तो जयंत चौधरी के साथ उन्होंने साझा की रैली, तो इससे क्या लग रहा है कि जो इधर के जाट वोट हैं, अब पहले तो बीजेपी में थे, अब ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा विपक्ष मान रही है कि इस बार सपा के साथ जाती नजर आ रही है। अब मैं बताऊंगा, सुन मेरी बात सुन ले पहले। अब जब आदमी कोई प्रधानी पे भी गांव में खड़ा हो जाए ना तो उसे यूँ लगे तू तो जीत गो, आई ना समझ में। अच्छा जी, उसे यूँ रहे आदमी नहीं कह देगा हाँ भैया तेरी देंगे, हैं कहने को और करने को बड़े फर्क हों। अच्छा, आदमी कहवे कुछ है करे कुछ है। तो मतलब जयंत चौधरी के साथ जो इन्होंने साझा की है रैली मेरठ में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? कोई फर्क ही ना पड़े, तू देख ली मोदी आवेगा यही की आवेगी योगी की। योगी आएंगे। दादा जी आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम श्रीचंद यादव। अच्छा, तो मतलब जात पात से नहीं, इस बार विकास के नाम से वोट देंगे आप? विकास के नाम से वोट देंगे। अच्छा, योगी बहुत बढ़िया काम कर रहा, एक गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ। और विकास अच्छे कर रहा, और देखो जेवर एयरपोर्ट भी। हाँ। इसकी देन। जेवर एयरपोर्ट तो मतलब चलिए ठीक है, वहाँ विपक्ष जनता कह रही, वहाँ के किसान कह रहे हैं कि अभी पूरा भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान तो होगा, भुगतान तो कर दिया। जेवर एयरपोर्ट आ जाने से मतलब फायदा मिलेगा वहाँ के किसानों के, यहाँ के नजदीक की जनता को? हाँ, फायदा मिलेगा। अच्छा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलता नजर आ रहा है। आ रहा। जनता इनको ना भी विश्वास करे कतई भी, ये तो चमारन के पाम पकड़ने पीछे पकड़े ही नन्ने। कौन? ये अखिलेश्वर ने ना पकड़े मायावती के पाम, ये तो चमारन के पाम पकड़ने कुर्सी के। 18% जो है, 18% यहाँ मुसलमान पीछे ना पकड़े ही ना। हाँ हाँ, जो आप कह रहे हैं मुसलमान के पैर पकड़ ले, पाम पकड़ लिए ना कुर्सी के। मुसलमान तो पहले दिन के साथ था ना, मुसलमान दिन के पहले साथ था। हाँ, पहले मुसलमान साथ है ये है? बता हिंदू ने का करवाया इन्होंने, कुछ भी ना, मैं गोली और बजवाई वहाँ में अयोध्या में।
क्या लगता है इस बार मतलब मुसलमान भी बदले बदले नजर आ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं क्या? मुसलमान भी बहुत देंगे तो बीजेपी वोट देंगे, बहुत खुश है मुसलमान और मुसलमान ही ज्यादा खुश है। तीन तलाक से अच्छा मुसलमान खुश है, पर मुसलमान खुश नहीं है, मुसलमान खुश है। अच्छा ओवैसी जी आ गए हैं, ओवैसी जी आ गए, इससे भी क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा ऐसा माना जाता है पश्चिमांचल में यादवों का हुआ, जाटों का हुआ, ये जो जाति समीकरण साधते हुए लोग जन सरकार आती है आप लोगों के बीच में, तो आप लोग यादव हैं, तो यादव होते हुए भी मतलब इस बार आप जात पात नहीं देखेंगे, डायरेक्ट विकास पे वोट देंगे आप? विकास पे देंगे वोट अब? हाँ, योगी जी पसंद है? चक्कर ना, योगी जी पसंद है भाई? एक चीज बता, योगी जी तो पसंद है यार, गुंडागर्दी खत्म कर दी मैंने, अन्य रोजी ने मोबाइल और चैन जब्ती जा मई। अच्छा, अब जपड़ ये बताइए आप योगी का चेहरा देख के वोट देने जा रहे हैं या फिर विकास का? विकास विकास। अच्छा ये बताइए उत्तर प्रदेश में मोदी का कुछ प्रभाव है कि मोदी का चेहरा भी लोग देख के पार्टी को निकाल देते हैं आगे? हाँ, मोदी का चेहरा भी देख के निकाल दें, मोदी बढ़िया आदमी है। अच्छा, बढ़िया आदमी है मोदी भी। तो मत कभी भी ये कभी जनता से नहीं मिले, कभी कौन नहीं मिले के कभी जनता में बढ़ के इन्होंने फोटो खिंचवाया, किसी ने नहीं खिंचवाया है। नहीं, अभी तो यहाँ गए हैं, बनारस गए हैं, तो उन्होंने भगवा वस्त्र पहन के एक संदेश दिया है, तो ये जाति पात नहीं लग रहा ऐसा लोग जनता अपोजिशन वाले अखिलेश जी कह रहे हैं? ऐसा तो जनता कोरी इकट्ठी हो जाए, अब यहाँ कितनी कड़े हैं ये आई ना समझ में, तो जनता में बढ़ जाओ आदमी, ऐसा कुछ नहीं होता। इधर का मतलब उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल पूरा माहौल योगी जी की तरफ है? योगी की तरफ रहेगा ही। अच्छा, ये तो आदमी क्या मुँह से जुबान से कुछ भी कहते रहे और बाकी वोट देगा वहीं, वोट वहीं। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनकाउंटर मतलब करवाए, बहुत भाग गए भैया, इनकाउंटर ना करवावे, जब छीन छीन के भगने मोबाइल और चैनल छीन छीन के भगने, बताओ इनकाउंटर सरकार में नए लौंडे बदमाश बन गए, जो बदमाश बनने काबिल भी सपा के? हाँ, सपा की इनकी सरकार में बहुत लौंडे बदमाश बने। अच्छा, जो मतलब काबू में आ गए? अब तो साले डरे बैठे, घर में बढ़े बैठे चुप। के लोग तो बता रहे हैं मोबाइल वोबाइल चैन उन छिनौती उनौती बहुत, अब ना छीन रो कोई भी। अच्छा, अभी लगाम लग गया पहले? हाँ, जब इनकी सरकार जब तो दिन दहाड़े मार झपट्टा साफ जावे मोटरसाइकिल पर, हर बार मतलब विकास के नाम पे आप लोग वोट दें? हाँ, विकास के नाम बताएंगे, अब अगर जाति पाति कुछ ना देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप बात किए।